इमरान जी ग्रुप में भेज दिए जी, ग्रुप में भेज दिए, सरब जी स्वपनदीप की बाइक भेज दी है ग्रुप में। और चलो मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप ग्रुप तो देख सकते हैं, आप बोल सकते हो वहाँ पे। हाँ अरे सर मेरी तो एफटीवी वाली प्रॉब्लम ही नहीं अभी तक सॉल्व हुई है, मैं क्या करूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान को अपने कर्मों का फल यहीं पर ही मिल जाता है। जैसे कि इसमें एक साजिश के तहत सरकार, पाकिस्तान सरकार और आईएसआई के कहने पे मेरे पापा का मर्डर किया था कुछ और लोगों के साथ मिलके जेल में। तो हो सकता है कि इसी सारी चीज को छुपाने के लिए कि ये साजिशें जो हम करवाते रहे हैं ये बाहर ना आ सके, इसका सरकार ने और आईएसआई ने ही मर्डर करवा दिया हो। जी बिल्कुल, ये तो शुरू से ही हम कहते आ रहे हैं कि सरकार के बिना किसी और का काम नहीं है ये कोई, क्योंकि पापा का इतना व्यवहार अच्छा था जेल में, बहुत सारे पाकिस्तान के लोग थे पाकिस्तान के जेल में बंद जिनके लिए पापा इतना सोचते थे, जिसके लिए हमने एक आदमी के बेटे के लिए यहाँ से दवाई भी पापा के कहने पे भेजी थी और उनका सबके साथ ही बहुत प्यार था। लेकिन ये सब कुछ ताकि जग जाहिर ना हो जाए कि एक निर्दोष इंसान को इतने सालों तक इन्होंने अंदर बंद रखा है, ये एक साजिश के तहत इन्होंने ये दिखाया कि पाकिस्तान की जेल के अंदर जो वहां पर कैदी बंद है, कैदियों की आपसी लड़ाई में ये जो है मर्डर हो सका। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हो उसको इतने लोग उसके सेल में जाके कैसे मार सकते हैं। आईएसआई का ये एक और कदम हो सकता है बहुत सारी चीजों को छुपाने के लिए, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य है। उसका रीजन ये है कि आईएसआई ने ही सारी प्लानिंग करी थी पहले, पर अब बहुत सारी चीजें थी जो बाहर आ सकती थी, क्योंकि सरफराज के साथ तीन जने और थे उनको मारने में। क्या नाम था उनका? एग्जैक्टली नाम तो नहीं मुझे याद इस टाइम, बट हाँ इनको बरी कर दिया गया था जो ट्रायल चला था।